अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। नॉर्वेजियन पाकिस्तानी साइंसदान का एजाज। डॉक्टर नौरीन अख्तर ने बर्फ जमने के अमल को रोकने वाली प्रोजेक्ट तैयार कर ली। रिसर्च मुकाबले में पहली पोजीशन। डॉक्टर नौरीन के लिए 5 लाख क्राउन का इनाम। नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी निजात खातून साइंसदान डॉक्टर नौरीन अख्तर ने एक ऐसी प्रोडक्ट तैयार की है जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन और समंदर की तह में मौजूद मशीनरी पर बर्फ जमने के अमल को रोकती है। रिसर्च मुकाबले में डॉक्टर नौरीन अख्तर को 5 लाख क्राउन का इनाम मिला। दुनिया न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में नौरीन अख्तर ने अपनी ईजाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। ये प्रोजेक्ट जो था ये डेवलपमेंट थी ऐसे हालात के लिए या फिर सनअती मसनूआत के लिए जो कि संगीन किस्म के हालात में जैसे कि जेर आब हो गया, समुद्री मजाफात हो गई, ऐसे इलाके जहां पे दर्जा हरारत बहुत कम हो, नमी हो, ऑयल पाइपलाइंस के लिए, ऑयल गैस सेंसर्स के लिए, कैमरा के लेंसेज के लिए जो कि ऑफशोर मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं या फिर रिमोट एरियाज में मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको इस तरह से डेवलप करना कि उसकी जो सतह है वो सेल्फ क्लीनिंग की कंडीशन में रहें ताकि वो ज्यादा अरसे के लिए साफ रहें और माहौल की तब्दीली उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर ना डाल सके। तो सेल्फ क्लीनिंग में एंटी आइसिंग जो था यानी कि ऐसी सतहें जो कि बर्फ के बनने के प्रोसेस को या फिर जमने के प्रोसेस को महदूद करती हों या उसे कम करती हों, ये खास खसूसियत थी जो कि उन्हें शामिल होनी चाहिए इसके बारे में था। जब मेरा पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ बेल्जियम में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में नैनो फिजिक्स ग्रुप में मैं पोस्ट डॉक काम कर रही थी, तो मेरा प्रोजेक्ट जो था वो ऑयल कंपनी के साथ था जिसमें उन्हें सेल्फ क्लीनिंग विंडोज चाहिए थी ऑयल गैस सेंसर्स के लिए जो कि जेरे आप ऑयल पाइपलाइंस में तकरीबन 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर की गहराई में इंस्टॉल की जाती हैं। तो ये सर्विसेज उन्हें चाहिए थी जो कि सेल्फ क्लीनिंग हो ऑयल के अगेंस्ट या फिर स्केल्स जो मिनरल्स वहाँ पे होते हैं वेरिएबल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में। ये प्रोजेक्ट ओवरऑल काफ़ी सक्सेसफुल रहा क्योंकि इसमें हमने नेचर से इंस्पिरेशन ली जैसे कि शार्क की जो स्किन है कुदरत ने उसे ऐसी खसूसियत दी है उसकी साफ्ट और स्ट्रक्चर के हवाले से कि वो पानी के अंदर हर तरह के माहौल में अपनी जिल्द को साफ रखती है। उसके स्ट्रक्चर इस तरह से है कि पानी का बहाव उन पर काफ़ी तेजी से होता है और किसी भी किस्म के कॉन्टेमिनेशन को अपने साथ ले जाता है। तो इसको इस्तेमाल करते हुए हमने नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू उस पर ऐसे ही स्ट्रक्चर जनरेट किए। अब ये था आइडिया इस तरह से लिया गया कि हम इसकी एप्लीकेशंस के स्पेक्ट्रम को बढ़ाएं और इसमें एंटी आइसिंग या फिर बर्फ को बनने के प्रोसेस को महदूद करने की खसूसियत को इसमें ऐड किया जाए। तो इस तरह से इस आइडिया को लिया गया। मैं बहुत ऑनर का मुकाम है कि मेरे काम को जो कि यहाँ पे किया गया उसको रिकग्नाइज किया गया और इसमें मैं सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें हिम्मत दी, हौसला दिया, डिटर्मिनेशन दिया। आई वुड से कि पैशन और मोटिवेशन पहली चीज़ है और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन ये दूसरी चीज़ है जो कि बहुत अहम है। और फिर एक लंबे टाइम के बाद आपको जब इसका उसके रिजल्ट्स मिले तो ये बहुत ऑनर की भी बात है और बहुत खुशी का मुकाम है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले आप उसको ऐसे वर्क ना लें बल्कि आप उसे ऐसे पैशन लें जो कि आप जिसको करने में आपको खुशी महसूस हो। तो साइंस जो है वो अगर आपका पैशन है तो उसमें आपने मोटिवेशन को हमेशा इन रखना है। मैं इसमें ये कहूँगी कि आप जब काम करें तो आप अपने टारगेट को सामने रखें, आपको पता होना चाहिए कि आपके गोल्स क्या हैं, उन गोल्स को कैसे अचीव किया जा सकता है। और उसके बाद फिर रिसर्च में जो सबसे अहम चीज़ है वो डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन है। मजीद खबरें और रिपोर्ट्स भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहेंगे।